मस्जिद भी बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, परंतु मस्जिद को सरयू नदी की उस पार बननी चाहिए और ये जो ज़मीन है राम जन्मभूमि वो संपूर्ण रूप से राम मंदिर का होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी 1994 में नरसिम्हा राव सरकार ने एक एफिडेविट फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि यदि ये कभी सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर था और उसको उसके बाद ही मस्जिद बना तो हम ये सारा ज़मीन हिंदुओं को दे देंगे। उस एफिडेविट के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर जांच करवाइए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑल इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उन्होंने इस बात को सौंपा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 साल की पूरी आधुनिक जांच के बाद ये कहा कि वो एक विशाल मंदिर मस्जिद के नीचे है और इसीलिए एक मंदिर पहले था, इस ये बात सिद्ध हो गई। तो ये सारी चीज़ों को ले करके और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज पढ़ने का जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि सर न्यायाधीश एक मीडिएटर ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश को का नाम सुझाएं और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में ये आने वाली शुक्रवार नहीं अगले शुक्रवार उसके बाद जो अगले शुक्रवार है उसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। स्वामी सर कोर्ट ने जब सुनवाई के दौरान सीजीआई ने खुद ये बात कही कि ये ऐसा मैटर नहीं है जहां हम कोई आदेश करके इसे ख़त्म करें, आप लोग क्यों नहीं आगे कदम बढ़ाते हैं, इस बात पे क्या बोला था? मैंने उसके सवाल वो जो सवाल उठा मैंने कहा मैंने जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं उनके साथ मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि कोर्ट के फैसले के बिना हमारे ऊपर हमारे समुदाय में संदेह हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मध्यस्थ भी करना है वो आपके आदेश पर होनी चाहिए और हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, मस्जिद बने मंदिर बने उसके अलग अलग जगहें हैं, एक के प्राणी प्रतिष्ठा के कारण राम जाम पैदा हुए वही है, उसको बदल नहीं सकते और मस्जिद तो कहीं भी बना सकते हैं, सड़क में भी नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमान और सऊदी अरेबिया में अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए या रोड के लिए वो मस्जिद को हटाते हैं तोड़ते हैं, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस रचनात्मक सुझाव को मुस्लिम समुदाय मानने तो सबसे अच्छा होगा, पर